जावेद शेख का कहना है कि सलमा आगा से शादी की नाकामी के बाद वो मुकम्मल तौर पर टूट गए थे। इस दौरान अदाकारा नीली ने उन्हें सहारा दिया। उनका नीली के साथ अफेयर रहा है, शादी नहीं की। जावेद शेख ने बर्मला बताया कि शादियां दो ही की हैं लेकिन अफेयर बहुत से हैं, लेकिन मैंने कभी किसी अदाकारा को खुद अप्रोच नहीं किया। जावेद शेख हमारे सीनियर अदाकार और आज भी हैंडसम हीरो हैं, लेकिन एक तल्ख हकीकत यह है कि जावेद शोबिज इंडस्ट्री की चकाचौंध में खो गए और उनकी अहलिया जीनत मंगी ने अकेले बच्चों की परवरिश की। जावेद शेख सिर्फ पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री ही नहीं, बॉलीवुड में भी कामयाबी से काम कर चुके हैं। इतने कामयाब एक्टर की इज़दवाजी ज़िंदगी कुछ इतनी खुशगवार नहीं रही। जावेद शेख की पहली बीवी का नाम जीनत मंगी है। जीनत मंगी और जावेद शेख के दो बच्चे शहजाद शेख और मोमल शेख हैं। मोमल अभी एक साल की थी तो उसके वालिद जावेद शेख और वालदा की अलहदगी हो गई। जावेद शेख शोबिज़ इंडस्ट्री की चकाचौंध में खो गए और उनकी अहलिया जीनत मंगी ने अकेले बच्चों की परवरिश की। इस दौरान जावेद शेख ने दूसरी शादी सलमा आगा से की और वो भी नाकाम रही। उनकी पहली बेगम जीनत मंगी की जावेद शेख के लिए मोहब्बत कायम रही और उनकी बेटी मोमल ने अपनी माँ से वादा किया कि वो अपने बाप को वापस घर लेकर आएंगी। जीनत मंगी ने अपने बच्चों को शोहर के ख़ानदान से दूर नहीं किया, बल्कि हमेशा छुट्टियों में वो अपने बच्चों को उनकी पुप्पो सफीना बहरोज़ और चचा सलीम शेख के घर भेज दिया करती थी। और उनका कहना है कि वो ये सब अपने लिए करती थी कि उन्हें आज भी जावेद से मोहब्बत है। मोमल शेख ने अपने वालदैन के ताल्लुक़ के बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि उसने अपनी शादी के वक्त वालिद के सामने शर्त रखी थी कि वो शादी इसी सूरत करेंगी कि अगर हमारे घर में रहने आया करेंगे। इससे पहले वो सिर्फ मिलने आया करते थे और अब वो वक्त आ गया है कि हम सब दोबारा से एक फैमिली हैं।